नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका दुनिया भर में अपनी कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन को वापस लेगी। ब्रिटिश स्वीडिश मूल की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की ओर से बताया गया है कि उसने वैक्सीन को वापस लेने से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की ओर से ये कदम तब उठाया गया है जब कुछ दिनों पहले एस्ट्राजेनेका ने पहली बार अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया था कि उसका टीका दुर्लभ और गंभीर ब्लड क्लॉट का खतरा पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के बीड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस समय पूरा देश हमारे साथ है, लेकिन इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार जब शिवसेना के साथ थे तो ठीक थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमन नगर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू कर देते हैं। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया है तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार यानी 7 मई को ऐसा कदम उठाया जिसके बाद राजनीति गलियारियों में चर्चा जोरों शोरों पर है। मायावती ने बीते 7 मई को अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाने का ऐलान किया है। हरियाणा में मंगलवार को एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। जिन 3 विधायकों का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ उनमें पुंडरी विधायक रणधीर गोलर, नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोदर और चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवन शामिल हैं। आम चुनावों में जीत के बाद एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। सोमवार को क्रेमलिन में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस का नेतृत्व करना एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस कठिन अवधि के बाद रूस एक बार फिर मजबूती के साथ उभरेगा। राजद के नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मनोज झा ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट से देश की राजनीति और सामाजिक ढांचा बदला है। पीएम को पढ़ना चाहिए, उसमें अन्य धर्मों के लोग भी हैं। पीएम के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करा रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी, आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो पार्षद और पंचायत का चुनाव लड़ने की क्षमता आप में नहीं है। देश के पीएम की ये जुबान होनी चाहिए। जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अब्बास अंसारी को ऑनलाइन माध्यम से मुख्तार अंसारी के 40वें में शरीक होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने जेल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि इसके लिए व्यवस्था की जाए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 सीजन में मंगलवार यानी कि 7 मई को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ। इस दिन लोकसभा चुनाव के तहत कुछ राज्यों में वोटिंग भी हुई, मगर दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले के दौरान एक अजीब वाक्य देखने के लिए मिला। कुछ दर्शक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने स्पेशल टी शर्ट पहनी थी जिस पर केजरीवाल के स्लोगन भी लिखे थे, जेल का जवाब बोर्ड से। स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। तुरंत दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को समझाया। इसके बाद ज्यादातर लोग वापस लौट गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। टीम इंडिया के खिलाड़ी आईपीएल के बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान पहले से ही किया जा चुका है। टीम में चुने गए 15 खिलाड़ी आईपीएल में अपना दमखम दिखा रहे हैं ताकि वे T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 के लिए कप्तान रोहित शर्मा की पहली पसंद बन सके। ऐसे में प्लेइंग 11 की एक पोजिशन के लिए 2 खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली है, जिसमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन का नाम भी शामिल है। तो ये थी आज की देश भर की 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।